OnePlus 11R में अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है गाइज, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं अपडेट करने के बाद में, गेमिंग वगैरह कैसे हो रही है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुए हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है, लेकिन फिर भी गाइज मैं अपडेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कोई इसमें इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है, गेमिंग वगैरह कैसे हो रही है, FPS वगैरह कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली अपडेट जो है देखने को नहीं मिला है तो आपको ऑक्सीजन अपडेटर से जो अपडेट करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे लिखे सर्च करना है ऑक्सीजन अपडेटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपडेटर से आपको यहाँ पे ऑक्सीजन अपडेटर ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लेना होगा। इसी से गाइज आपको अपने OnePlus 11R को यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो है इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे एक स्विच को ऐड किया गया जिससे आप अपने मीडिया प्लेबैक को शो या हाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको शो भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है इम्प्रूव किया गया है यूज़र का, जब भी आप स्क्रीनशॉट्स को स्क्रॉल करते हैं या नोटिफिकेशन या लाइव अलर्ट मैसेजेस वगैरह आते हैं तो वो अभी पॉपअप नहीं होते फ्लोटिंग विंडो में, और फ्लोटिंग विंडो जो आपका है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता जब आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, प्लस यहाँ पे आपका अगस्त का जो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच यहाँ पे दिया गया है। तो अपडेट जो है गाइस 1.36 GB का है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली अपडेट आता है, OTA अपडेट आता है तो उसमें आपको और कम साइज मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ ऑक्सीजन अपडेटर से, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है साइज दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे गाइस अपडेट जो हमारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब गाइस यहाँ पे सिंपल से हम इसको करेंगे फ्लैश। कैसे फ्लैश करेंगे यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपल से जाना होगा आपके फोन की सेटिंग्स में, और आपको जाना होगा गाइस यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे। तो अबाउट डिवाइस पे आप जाएंगे तो आपको गाइज यहाँ पे जो है, या सॉफ्टवेयर अपडेट पे भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाना है, ट्रिपल डॉट पे जाना है, यहाँ पे आपको लोकल अपडेट करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे डेवलपर मोड सबसे पहले अपने फोन का एनेबल करना पड़ेगा। तो डेवलपर मोड एनेबल करने के बाद में आप जो इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्जन पे जाना है और यहाँ पे वर्जन नंबर पे आपको 3 से 4 बार टाइप करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे अपना स्क्रीन लॉक का पासवर्ड डालिएगा और आप डेवलपर हो जाएंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको सिंपल से जाना होगा, फिर से यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे लोकल इंस्टॉल पे जाना होगा, और आपकी फाइल जो डाउनलोड हुई है वो आपके यहाँ पे मतलब मेमोरी में दिख जाएगी, फोन मेमोरी में, और आपको यहाँ पे सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने में गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे जब आपका अपडेट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग लिखा हुआ है, उसके बाद में ये वेरीफाई करेगा आपके अपडेट को। वेरीफाई करने के बाद में आपका फोन रिबूट हो जाएगा, और रिबूट होने के बाद में आपका अपडेट जो है गाइज यहाँ पे डन हो जाएगा। तो अपडेट फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा हो चुका है, ऊपर की साइड में आप लोग देख भी सकते हैं फिनिशिंग, यहाँ पे सिस्टम अपडेट लिखा हुआ है और अपडेट हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब गाइज यहाँ पे सिंपल से हम करेंगे थोड़ी सी गेमिंग, जिसमें आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बैटरी वगैरह आपका वैसे ही चलने वाला है और यहाँ पे कोई और इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, फोन एकदम स्मूथ जो है चल रहा है। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि फोन हमारा यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो नेटवर्क कनेक्शन है वो यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे वाईफाई मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। वाईफाई ऑन करने के बाद में गाइज यहाँ पे मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ कि सिक्योरिटी पैच अभी हमारा जो है वो यहाँ पे अगस्त का हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल जो है गाइज देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करूंगा और देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारा जो अपडेट है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेट्स द अगस्त 24 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू एनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा गेमिंग करके दिखाऊंगा, एक TDM मैच खेलूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कितने FPS हमें देखने को मिलते हैं। BGMI को चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज मेरा BGMI ओपन हो चुका है, मैंने यहाँ पे एक TDM मैच लगाया है 4v4 का, और यहाँ पे आप लोग FPS जो है कंटिन्यूअस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना FPS जो है हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइज जहाँ तक मैंने यहाँ पे गेमिंग की है गाइज मैं आपको बता दूँ, हालांकि मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा रहा हूँ लेकिन इससे पहले भी मैंने गेमिंग की थी उसमें गाइज हमें जो है यहाँ पे 85-90 FPS हमें देखने को मिला था कंटिन्यूअस। कभी कभी यहाँ पे ये लो भी चला जाता है, यानी कभी कभी 80 या 79 भी हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। ज़्यादातर आपको 85 से 90 के बीच में FPS जो है देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा जो है FPS ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे गाइज आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि कैसा FPS हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हैं। तो पहले जैसा हमें FPS देखने को मिलता था गाइज यहाँ पे अपडेट के बाद भी हमारा यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वैसा सेम हमें उतना ही जो है स्टेबल FPS देखने को मिलता है 85-90 के बीच में। लेकिन हाँ, कभी कभी गाइज यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे गाइज इसका रीज़न ये भी है क्योंकि गाइज यहाँ पे शुरू में भी स्टार्टिंग में जब हमने फ़ोन को अपडेट नहीं किया था तब भी हमें इतना FPS ड्रॉप जो है देखने को मिलता था, तो अभी फिलहाल के लिए भी वैसा ही है। और अगर गाइज हम बैटरी की बात करें तो बैटरी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं 5 मिनट की गेमिंग करूँगा और उसमें कितना बैटरी ड्रॉप होता है वो भी आपको गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको एक आइडिया जो है लग जाएगा
कि 5 मिनट की गेमिंग के बाद में गाइज यहाँ पे कितना जो है बैटरी ड्रॉप जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइज थोड़ी सी गेमिंग हम और कर लेते हैं और 5 मिनट की गेमिंग के बाद में गाइज आपको यहाँ पे मैं बैटरी दिखा दूंगा। तो 5 मिनट की गेमिंग के बाद में गाइज आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बैटरी था 43% था और 5 मिनट की गेमिंग के बाद में यहाँ पे 2% हमारा बैटरी जो है गया है। तो हालांकि यहाँ पे जब मैंने गेम को स्टार्ट किया था तो 43 था, उसके बाद में तुरंत ही 42 हो गया था। तो 1% बैटरी यहाँ पे ड्रॉप हुआ है 5 मिनट की गेमिंग के बाद में। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी हमें पहले जैसा ही देखने को मिल जाता है क्योंकि ये कोई मेजर अपडेट नहीं था, एक सिक्योरिटी पैच अपडेट था। हालांकि यहाँ पे एक दो फीचर्स को नया ऐड किया गया है जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी गाइज यहाँ पे कोई क्वेश्चन है अगर आप अपने फोन को डाउनग्रेड करना चाहते हैं एंड्रॉइड 13 में तो उसके लिए भी गाइज मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, अगर कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के इस वीडियो में था इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।